जी मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ जो अपने ऑर्गेनिक बिजाई की है, वो सारे का सारा जर्मिनेशन बिना खाद के प्राणी में बढ़िया तरीके से हो चुका है। और साथ ही जब देख रहे हो सारी लाइनें भर चुकी हैं। और साथ ही जो दूसरा खेत है ये ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन इसमें SMS की कटाई के बाद सीधी बिजाई की गई है और पूरा जर्मिनेशन हो चुका है, लाइनें बिल्कुल भर चुकी हैं। और दोस्तों जो किसान इस मुहिम के साथ इस बार जुड़ रहे हैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद, और वो आगे भी प्रेरित कर रहे हैं उनका भी आभार। लगभग हर गांव से कोई ना कोई क्रांतिवीर जरूर आगे निकल रहा है और कह रहा है हाँ मैं तैयार हूँ इसे अपनाने के लिए, क्योंकि रोकने वाले भी बहुत होते हैं लेकिन उन सब की परवाह किए बगैर वो इस मुहिम में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब अवस्था परिवर्तन होती है तो इतनी आसानी से तो होती नहीं, उसमें रुकावटें बहुत होती हैं, लेकिन वो उन रुकावटों को उन जंजीरों को अपने पैरों की बेड़ियां नहीं बनने देते, इसलिए उन किसानों को सलाम। और पिछले दिनों मैंने एक आपके साथ गज़ल साझा की थी, वो उसका हर शब्द मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इस आज की मुहिम के साथ जुड़ा हुआ हो। उसके शब्द थे पहले जैसे एक किसान दूसरे किसान को साथ जोड़ने के लिए निवेदन कर रहा है, जैसे तू अगर हम कलाम हो जाए, तू अगर हम कलाम हो जाए हम फकीरों का भी काम हो जाए। मतलब अगर सभी वो साथी किसानों से कह रहा है अगर आप सभी भी मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ जाओ तो जो रोज़ रोज़ एक निवेदन कर रहा हूँ जा होका लगा रहा हूँ समझ लो वो काम भी हो जाएगा। और अगली लाइनों में वो पराली की विशेषता, कुदरत की विशेषता, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ है पराली, उसको बताने का काम कर रहा है। जैसे कभी देख ले जो कोई तेरी सूरत, देख ले जो कोई तेरी सूरत वो तेरा गुलाम हो जाए, तू अगर हम कलाम हो जाए हम फकीरों का भी काम हो जाए। मतलब अगर हम इसकी महत्ता जो पराली बीच में पड़ी है इसको समझ जाएं, जिस दिन इसकी हमें महत्ता समझ आ जाएगी हम इसको जलाना बंद कर देंगे और कभी की लाइनें बिल्कुल स्टीक बैठती हैं। वो कहेगा जिस देख ले जो कोई तेरी सूरत वो तेरा गुलाम, उस दिन हम इसके गुलाम हो जाएंगे, इसे जलाएंगे नहीं, हम इसके शुक्रगुजार हो जाएंगे भी ये प्राणी ने हमारे को बचा लिया। और अगली लाइनों में थोड़ी सी चेतावनी दे रहा है कभी, ऐ परिंदो घरों को लौट आना, ऐ परिंदो घरों को लौट आना इससे पहले कि शाम हो जाए। किसानों को निवेदन कर रहा है, हम हर रोज बहुत से पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं पानी को मिट्टी को और पराली को जला के वातावरण को खराब कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, जाने में कुछ जिसको समझ आ गई अगर वो करता है फिर वो जाने में होता है, नहीं तो अनजाने में। हमें तो ये होता है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इन चीज़ों से तरह तरह की बीमारियां अपने घर लेके आ रही हैं। तो उसमें यही चेतावनी दी है, ऐ परिंदो ऐ किसानों मित्रों घरों को लौट आना इससे पहले कि शाम हो जाए, भी अब भी समय बहुत है, अब भी लौट आए हम कुदरत के साथ प्राकृति के साथ जुड़ेंगे। ऑर्गेनिक गेहूं है बिल्कुल और बिना DAP के जर्मिनेशन आप देख रहे हो। ऐ परिंदो घरों को लौट आए इससे पहले कि शाम हो जाए। और फिर निवेदन अगली लाइनों में प्रकृति से कर रहा है, कुदरत से परमात्मा से कर रहा है, तू निगाहें जो फेर ले मुझसे मेरा किस्सा तमाम हो जाए। भी जिस तरीके से हमने तो प्रकृति से नजरें फेर ली हैं
सारा कुछ आर्टिफिशियल शुरू कर दिया, केमिकल से खेती शुरू कर दी है, पराली को जला दिया। जो तत्व इस पराली ने हमें देने से वो हम दुकानों से ला ला कर फैक्ट्रियों से ला के दे रहे हैं। और इसका मतलब हमने तो निगाहें फेर ली हैं, और निवेदन ये करा है कि तू निगाहें जो फेर ले मुझसे, मेरा किस्सा तमाम हो जाए। मतलब हमने तो फेर रखी हैं, परमात्मा ने अभी भी निगाहें नहीं फेरी जो ये सृष्टि चल रही है। और अगर वही बात करें भी, अगर तुमने भी निगाहें फेर ली है दाता, है प्रकृति, है कुदरत, तो मेरा किस्सा समझ लो, हमारा सभी का किस्सा तमाम। इसलिए किसान दोस्तों से निवेदन है, ये देखो जर्मिनेशन की कोई वजह नहीं। अगर कोई आदमी कहे भी हमें इसमें वजह ही नहीं, अगर आपकी ज़मीन में नमी पूरी है तो जर्मिनेशन पूरा है। ये देखो सारा खेत दूर तक निकाह भर चुका है, और जिसमें नमी कम है उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें करंट वाली तो सिचुएशन आती नहीं दोस्तों। और जो ज़मीन में दाना गया वो अंकुरित होना ही होना है। अगर नमी उसको अब मिल गई तो अब हो जाएगा, जैसे नहीं पानी के बाद अपना खेत सारा भर जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे किसानों के सुझाव विचार मेरे को सुनने को मिले हैं, जिनमें से एक बहुत ही देवता स्वरूप सिंदरपाल जी सिरसा से, रानिया से, और उनके तजुर्बे हैं भी। जैसे जैसे पानी लगता है अपने आप कवरिंग होती रहती है, और जो भी दाना जमीन गया कुछ वो जर्मिनेशन होगा ही होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुहिम से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।